तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जो मैंने वीडियो बनाया था वो वीडियो एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा आपको वॉच करना, देखिए व्यू चैनल पर जाएंगे अपन। व्यू चैनल पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं अपना शॉर्ट वीडियो दिखा दे रहा हूँ पहले, देख ठीक है। ये वाला वीडियो रहा, तो ये वीडियो मेरा वायरल हो गया, ठीक है। मैं सबसे पहले अपना वाईटी स्टूडियो पर जाता हूँ, मैं वहाँ पर जाकर इसका व्यूज वगैरह सारा कुछ आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँ कैसे आपको ये वीडियो एडिट करना, ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए अपना, देखिए यहाँ पर देखिए प्रताप ठाकुर ने क्या बोला, प्लीज सर बताइए कैसे ये वीडियो बनना है, बनता है प्लीज बताइए, ठीक है। यहाँ पर दो रिक्वेस्ट इन्होंने की, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने वीडियो एडिट किया था तब कितना 1111 सब्सक्राइबर था कल, और आज कितना हो गया 14, यानी कि कितना बढ़ गया 21 सब्सक्राइबर बढ़ गया कल से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपने चैनल की एक स्क्रीनशॉट इस तरीके से लगा लेनी, ठीक है। जिससे कि आपको जो वीडियो बनाना है स्क्रीनशॉट होना आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आपको क्रोम पर जाना है, जो एरो वगैरह मैंने यूज किए थे वो यहाँ पर एरो इस तरीके से सर्च करोगे, इस तरीके से एरो सर्च करोगे, इसके बाद इमेजेस पर क्लिक करोगे और एरो यहाँ पर डाउनलोड कर लेने एक दो, ठीक है। इस तरीके से ठीक है, तो एरो डाउनलोड कर लिए, इसके बाद फिर से बैक आना है और यहाँ पर यूट्यूब का लोगो आपको डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब लिखना है इस तरीके से, देखिए यूट्यूब लिखा, यूट्यूब का लोगो ये रहा, ठीक है। फिर से डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये इतना करने के बाद अब आपको आ जाना बैक, ठीक है। सारा कुछ काट देंगे, अपना बी एन एप्लीकेशन अपना ओपन करने वाले, ठीक है। बी एन पर चलेंगे इस तरीके से, ये अपन बी एन पर आ गए, ठीक है। अब एडिटिंग क्या करना आपको, कुछ नहीं करना, देखिए जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, बी एन करते हो, कैनवा मास्टर करते हो या फिर कैनवा करते हो, जिस सॉफ्टवेयर से आप एडिटिंग करते हो वो आपको अपना ऊपर कर लेना और एडिट करते जाना मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप प्लस आइकन पर क्लिक करना है, इस पर न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, ठीक है। इस तरीके से जाने के बाद अब आप कुछ नहीं करना, जो आपके एरो वगैरह हैं, ठीक है, वो आपको देखिए इस तरीके से आ जाना है न्यू प्रोजेक्ट पर करने के बाद, जो स्क्रीन शॉट आपने सीधी बार ली थी, ठीक है, वो स्क्रीन शॉट चैनल वाली आपको यहाँ पर लगा देनी, ठीक है। नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद ओरिजिनल की जगह अब आपको YouTube का साइज क्या होता है 9x16, ठीक है। तो ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेने के बाद उसको इस तरीके से थोड़ा छोटा कर लो, ठीक है। इस तरीके से इतना कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप कुछ नहीं करना, देखिए बैक आना है, यहाँ पर जो थोड़ा यहाँ पर जो आपको ब्लैक ब्लैक एडिटिंग में पहले मिलता है, ठीक है, उसको डिलीट कर देंगे। इसका टाइम 7 सेकंड आपको कर लेना, क्योंकि जो वॉइस उसमें लगी है बैकग्राउंड में उसका टाइम 7 सेकंड कुछ छड़ा है, ठीक है। तो आपको 7 सेकंड कुछ कर लेना, ठीक है। इस तरीके से देखिए 4 सेकंड का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, इसके बाद हो गया 7 का, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको नहीं ना फिर से बैक आना है, जो भी आपने एरो डाउनलोड किए थे उस एरो को फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस एरो को मैं देखिए यहाँ पर लाता हूँ, इसका देखिए क्रोमा की से यूज करके वाइट वाला बैकग्राउंड हटा देता हूँ, ठीक है। इस पर को 0 कर देंगे, जिससे जो एरो वाला रंग है रेड वो रेड ही बना रहे, ठीक है। इस तरीके से गुड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा कट लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से इतने के बाद इस पर कट लगा देंगे, कट लगाने का इसको डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है, सॉरी बैक करेंगे। यहाँ पर देखिए आएंगे, इसको डुप्लीकेट पर क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट लगा के इसको सारे कुछ सेट कर लेंगे इस तरीके से, थोड़े थोड़े करके लगा के, ठीक है, जिससे कि ये एरो आपको मटकता हुआ दिखे या फिर हिलता हुआ दिखे, ठीक है। फिर इसका भी डुप्लीकेट करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से छोटा करने के बाद कुछ नहीं करना, देखिए इतना कर लिया। अब आपको इनमें सारे में मोशन डालने, ठीक है, ये घूमता हुआ नजर आ रहा, ठीक है। मोशन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, मोशन पर क्लिक किया, देखिए और जो एरो है आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। एरो को जो आपके फॉलो सब्सक्राइबर वगैरह हैं, ठीक है, उस पर तरीके से आपको एरो घुमा के सही से लगा देना, सेट कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इसको ए कर दिया, ठीक है, इसमें मोशन सेट कर दिया, इसको भी इस तरीके से कर लेना या फिर पहले ही कर लेना, ठीक है। इसके तरीके से करने के बाद अब इसमें मोशन सेट करते जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपको मोशन डालना है, ठीक है, इस तरीके से मोशन डाल लिया, उस तरीके से करने का घुमाने के बाद सही से एडिट करते जाना, ठीक है। ये अपना रहा, ठीक है, इसमें भी थोड़ा मोशन डाल देंगे इस तरीके से, इसको भी वहीं पर सेट कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद ये एरो जैसे आप सेट कर लेते हो इस तरीके से, अगर आपको अब सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा, अपना फोटो जो आपका थंबनेल वाला हो, ठीक है, इसमें मोशन सेट करने के बाद इसको भी छोटा करेंगे एरो को, और इसको इस तरीके से घसीट के इतना करने के बाद इसको घुमा के इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। ये अपना इतना हो गया, ठीक है। अब आपको जो भी आप थंबनेल में फोटो यूज करते हो, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना, इसलिए थंबनेल में जो आप बैकग्राउंड लगाते हो वो वाला यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेना कोई भी, ठीक है, रियल हो या बैकग्राउंड रिमूव हो कैसा भी चलेगा, ठीक है, दोनों चल जाएंगे। यहाँ पर इस पर आएंगे, ये वाला वाला मैं फोटो ले रहा हूँ, ठीक है, क्रोमा की का यूज करूंगा यहाँ पर भी, हरा वाला रंग इस तरीके से रिमूव कर दूंगा, इसको बड़ा कर लूंगा इस तरीके से। बड़ा करने के बाद देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर मैं फोटो पर क्या करता हूँ, इसका टाइम बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, पूरे में कर दिया, ठीक है, इस फोटो को
पूरे में से ऐड कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है, पूरे में ऐड हो गया फोटो आपका। अब आपको कहना YouTube वाला यहाँ पर जो लोगो लिया था वो यहाँ पर आपको देख लेना, ठीक है, वो YouTube वाला यहाँ पर लोगो लिया और बैकग्राउंड इसका भी क्रोमा की से रिमूव कर देंगे, इस तरह को जीरो कर देंगे जिससे कि इसका YouTube वाला जो रेड कलर है वो रेड ही रहे, ठीक है। इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे सर के ऊपर थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे या फिर, ठीक है, इस तरीके से ऐड करने के बाद अब आप कुछ नहीं करना, इसमें भी मोशंस आपको ऐड कर देना, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है इसमें, तो देखिए कट लगा देना इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, जिस बार डिलीट कर देंगे और इसको डुप्लीकेट कर लगा के सारे में यूज कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको यूज किया, इसको किया, ठीक है, इस तरीके से आपको YouTube के जो लोगो है, ठीक है, इस तरीके से आपको एडिट कर लेना है, ठीक है। अरे थोड़ा यहाँ पर काम थोड़ा कम है ना, 7 सेकंड का, इसलिए ये थोड़ा एडिटिंग में टाइम ले रहा, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाता है। इससे डुप्लीकेट करोगे इसको यहाँ पर रख लोगे, ठीक है, इतना करने के बाद अब आप कुछ नहीं करना, यहाँ पर डाउनलोड इस पर कर दो क्लिक, एक्सपोर्ट पर कर दो क्लिक, ठीक है। जिसने भी देखो चैनल सब्सक्राइब तक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगे इस वीडियो बनाने, ठीक है, कितना 6 मिनट लगभग होने वाला है वीडियो बनाते बनाते, ठीक है। जब तक ये देखिए यहाँ पर हो रहा है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, जो भी ऐसा वीडियो बनाना चाह रहा है उसको ये वीडियो शेयर करो, ठीक है, जिससे कि ये जानकारी सभी को हो, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, डर पर कर देंगे क्लिक, इतना करने के बाद आपको आना बैक मेरे YouTube वाले चैनल पर, जो मेरा YouTube चैनल जो वीडियो था, ठीक है, उस पर चले जाना, ठीक है, जो मेरा वीडियो उसी को प्ले कर लो। चैनल पर जाऊँगा और यहाँ पर शॉर्ट पर जाऊँगा इस तरीके से, ठीक है, और इसको इस पर क्लिक करने के बाद जो वॉइस वगैरह है वो आपको यहाँ पर वॉइस इस तरीके से यूज कर देना, ठीक है। वॉइस पर आओगे, यूज साउंड, और जो वीडियो आपने एडिट किया है वो वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट करके इस तरीके से लाओ, ठीक है, ये हो गया। और जो भी मैंने यहाँ देखिए बायो में लिखा था, ठीक है, यहाँ पर वो आपको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर देखिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट पर कर दे रहा हूँ क्लिक। इस बार इसका थंबनेल आपको सही सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जिससे सही समझ में आ सके, साफ साफ देखे, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद राइट पर टिक कर देंगे इस तरीके से, और अब आपको यहाँ पर कोई भी एक वर्ड लिख के अपलोड कर देना, ठीक है, यहाँ पर अनलिस्टेड वीडियो कर देंगे, ठीक है, अनलिस्टेड है अपना, अपलोड शॉर्ट पर, ठीक है। तो ये वीडियो आपका ऐड हो गया, जो भी मैंने टेक्स्ट वगैरह मैंने डाले थे वही आपको डालने, ठीक है। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसे लिए, कमेंट बताओ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल